फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं IL-76 एयरक्राफ्ट के बारे में। तो जो इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट उनके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अभी हमारे सामने है। हमने ट्रूप्स और लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन देखा अभी लद्दाख में, जो कि मिलिट्री ऑपरेशन के अंतर्गत था। वहीं पर सिविल असिस्टेंस की बात करें तो क्रायोजेनिक कंटेनर्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के द्वारा, जिसमें C-17 एयरक्राफ्ट ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट होती है ये बैकबोन होती है किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लिए या फिर बड़े डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। तो इस पर्पज़ के लिए आपको रिलायबल एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि एडवर्स कंडीशंस में ऑपरेट किए जा सकते हों। थैंकफुली 11 के नंबर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा C-17 ग्लोब मास्टर को ऑपरेट किया जाता है, जो कि काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट है। साथ में उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 70 टन के आसपास है और ये एडवर्स कंडीशन में शॉर्ट नोटिस पे यूज़ किए जा सकते हैं। तो C-17 ग्लोब मास्टर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कि अगर प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो आपको 100% सर्विसेबिलिटी मिल जाएगी। तो US एयरफोर्स द्वारा करीबन 222 C-17 ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें से 157 एक्टिव ड्यूटी में है। वहीं पर बात करें इंडिया की, जहां पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, ये नंबर खाली 11 है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा बाकी भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं, पर C-17 की जो कैपेबिलिटी है जिसमें वो काफ़ी बड़े नंबर में ट्रूप्स और कार्गो को काफ़ी कम टाइम में ट्रांसफ़र करने में सक्षम है, ये बाकी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती है। तो अनफॉर्चुनेटली C-17 ग्लोब मास्टर का जो प्रोडक्शन है वो 2015 में बंद हो गया, यानी कि अगर आप और C-17 ग्लोब मास्टर्स को ऑर्डर करने जाएंगे तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। ये एयरक्राफ्ट कंपेरेटिवली IL-76 के एक्सपेंसिव हैं, पर परफॉर्मेंस भी उसके हिसाब से देते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक चूक हुई जहां पर इन एयरक्राफ्ट के जो नंबर्स हैं वो थोड़े कम ऑर्डर किए गए। ये नंबर कम से कम 20-25 के आसपास होने चाहिए थे। ये चीज़ अब और नज़र आती है जब आज इनकी इम्पोर्टेंस जो है वो दिखाई पड़ रही है, चाहे लद्दाख में काफ़ी तेज़ी से ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हो, चाहे कोविड के सिचुएशन में क्रायोजेनिक कंटेनर्स का ट्रांसफ़र हो। तो ये खाली इंडियन एयरफोर्स के ही नहीं पर इंडिया के वर्क हॉर्स हैं और अनफॉर्चुनेटली अब इनके और नंबर्स नहीं लिए जा सकते। तो दूसरा एयरक्राफ्ट जो इस एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है वो IL-76 है। तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा करीबन 17 IL-76MD के ऑर्डर दिए गए थे 1983 से 1988 के बीच में। तो उस टाइम सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो पार्ट्स का इतना इशू नहीं था। कुछ पार्ट्स यूक्रेन से आते थे, कुछ पार्ट्स रशिया से आते थे, तो मेंटेनेंस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो IL-76 का जो एयर फ्रेम ओवरहॉल पीरियड है उसको करीबन 5000 आवर बताया गया और इंजन का जो ओवरहॉल पीरियड है वो करीबन 2000 आवर्स के आसपास का बताया गया, जो कि 10 साल होता है। पर शुरुआत में ही करीबन 10 इंजन्स को विड्रॉ कर लिया गया सर्विस से, जिन्होंने खाली 9 से लेकर 40 घंटे के बीच में अपनी सर्विस लाइफ दी थी। तो ये शो करता है कि इंजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। बाकी इनका जो यूटिलाइजेशन है 1985 से 1988 तक वो करीबन 66 आवर्स होना था, पर ये खाली 15 से 28 आवर्स तक ही मिल पाया। तो ये शो करता है कि इससे डिज़ायर्ड सर्विस नहीं निकल पा रही थी, लेकिन फिर भी इनको काफ़ी यूज़ किया गया। ट्रूप्स और T-72 टैंक्स वगैरह को ये ट्रांसफ़र करने में सक्षम थे। तो इनकी जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है वो करीबन 48 टन के आसपास की है। वहीं पर कंपेयर करें इसे C-17 ग्लोब मास्टर के कैरिंग कैपेसिटी से तो वो 70 टन के आसपास की है। तो जो C-17 है वो ऑलमोस्ट 20 टन से ज़्यादा कैरी कर सकता है IL-76 के कंपैरिजन में। साथ में IL-76 के कार्गो बे की जो चौड़ाई है वो खाली 3.3 मीटर्स की है। वहीं पर बात करें C-17 ग्लोब मास्टर के कार्गो बे की चौड़ाई की तो वो 5.5 मीटर है, जिसकी वजह से कुछ हैवी व्हीकल्स जो हैं वो पूरे के पूरे इस एयरक्राफ्ट के कार्गो बे में घुस जाते हैं। वहीं पर बात करें कार्गो बे की लंबाई की तो IL-76 में ये लंबाई जो है वो 24.4 मीटर की है। वहीं पर बात करें C-17 ग्लोब मास्टर की तो वो 27 मीटर है, यानी कि यहाँ पर लंबाई भी ज़्यादा है। इसका मतलब ज़्यादा कंटेनर्स या बड़े व्हीकल्स आराम से आ सकते हैं। तो C-17 हर मामले में एक बेटर कार्गो कैरियर है। यहाँ तक कि अगर कार्गो बे एरिया की हाइट की भी बात करें तो IL-76 के कार्गो बे एरिया की हाइट करीबन 3.4 मीटर्स है
और C-17 ग्लोबमास्टर की 3.76 मीटर है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IL-76 के साथ एक बड़े इशू की। तो 2010 से 2016 की CAG रिपोर्ट के हिसाब से IL-76 की जो सर्विसेबिलिटी है वो खाली 38% है, जो कि रिक्वायर्ड 70% से बहुत ज़्यादा कम है। वहीं पर बात करें IL-78 की तो ये खाली 49% है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो स्पेयर्स का अवेलेबल ना होना है। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब IL-76 लिए गए थे उस टाइम सोवियत यूनियन था तो स्पेयर्स वगैरह मिल जाते थे। अब चीज़ें बदल चुकी हैं, कुछ स्पेयर्स यूक्रेन से आने होते हैं, कुछ रशिया से आने होते हैं, तो इन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने में अब इशू आता है। साथ में जो इनमें सोलोवियव D30 KP टर्बोफैन इंजन्स लगे हुए हैं, इनकी जो सर्विसेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है, जिनकी वजह से मेंटेनेंस में सबसे बड़ा इशू आता है। तो यहाँ तक ये चीज़ साफ हो गई है कि जो इंडियन एयरफोर्स की IL-76 की फ्लीट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, जबकि उसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो 2015 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स करीबन 4000 करोड़ के प्रपोजल के साथ आई थी IL-76 और 78 ट्रांसपोर्ट फ्लीट के अपग्रेड के लिए। अब ये चीज़ कहाँ हवा हो गई इसका पता नहीं। तो एक नया IL-76 का वेरिएंट आया है जिसे IL-476 या फिर IL-76 MD-90A कह दिया जाता है। तो ये एक नया वेरिएंट है जिसको डेवलप किया गया है एल्यूशन एविएशन कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के अंदर आता है। तो अगर रशियन मीडिया रिपोर्ट की बात करें, ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स एक्वायर कर सकती है। तो ये करंट जनरेशन के IL-76 हैं जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2012 में हुई थी, जो कि बेस्ड है IL-76 MD पर ही, पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि जो विंग एरिया है उसको रीडिज़ाइन किया गया है, कॉकपिट में मॉडर्न एवियोनिक्स लगाए गए हैं और इंजन्स को चेंज किया गया है। तो जो कार्गो बे का डायमेंशन और एरिया है वो सिमिलर ही है, पर जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। तो जो पुराने IL-76 MD थे वो मैक्सिमम 48 टन तक कैरी कर सकते थे, जो नए IL-76 MD-90A हैं ये मैक्सिमम 60 टन तक कैरी कर सकते हैं। तो ये C-17 से 10 टन अभी भी कम है, पर पहले से बेहतर है। बाकी जो कैबिन एरिया है वो अब ग्लास कैबिन एरिया हो गया है, जहां पर LCDs यूज़ करी जा रही हैं। साथ में इस एयरक्राफ्ट का जो ऑटो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है और नेविगेशन सिस्टम है उसको भी चेंज किया गया है। इंजन्स की बात करें तो यहां पर नए PS-90A-76 टर्बोफैन को यूज़ किया जा रहा है, जिनका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो 12% कम है और रेंज जो है वो 18% ज़्यादा ऑफर करते हैं। साथ में यहाँ पर नॉइस और एमिशन दोनों कम है। साथ में ये जो इंजन्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल भी हैं। जो पुराने सोलोवियव D30 KP टर्बोफैंस थे वो अराउंड 117 किलोन्यूटन के आसपास का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम थे, वहीं पर ये जो PS-90A-76 इंजन्स हैं 142 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है। साथ में इस इंजन की जो सर्विसेबिलिटी है वो भी प्रॉपर है। तो अगर देखा जाए इंडियन एयरफोर्स के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो पुराने IL-76 इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हैं उनको मॉडिफाई करके IL-476 के स्टैंडर्ड पे लाया जाना बहुत ज़रूरी है, साथ में कुछ और एयरक्राफ्ट लेना भी ज़रूरी है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता C-17 ग्लोबमास्टर 3, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो बंद हो चुकी है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।